लगभग उन्हीं आइडियोलॉजीज को कवर करेंगे आज का मेजर टॉपिक है अटैक ऑन दी फॉल्स आइडियल्स ऑफ वॉरफेयर एंड सोल्जर्स प्रोफेशन लेकिन आज हम कंपैरिजन भी करेंगे अपने दो मेजर कैरेक्टर्स का उनके कंपैरिजन के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक तो अगर आपका मेजर टॉपिक आपके एग्जाम में हो कि टू कंपेयर ब्लैंचली एंड सोचीस तब आपको किस तरीके से अपना आंसर करना है दैट यू विल कम टू नो टुडे तो शुरुआत तो आपको वैसे ही करनी है वही सेम इंट्रोडक्शन रहेगा इंट्रोडक्शन कभी चेंज नहीं हो सकता आपको एक टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन आप सिमिलर यूज कर सकते हैं जितने भी मैं आपको हर टॉपिक में बता रही हूँ कब पब्लिश हुआ था किसने लिखा था बेसिक टाइम सेटिंग क्या है बेसिक प्लेस सेटिंग क्या है ये तीन चार चीजें आपको हर नोवेल हर प्ले हर पोइट्री के बारे में याद रहनी चाहिए वॉर का भी मेंशन जरूर करिए सेटिंग जो थी वॉर की थी और इस वॉर को ही अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा अधूरा लगेगा पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इस वॉर के बारे में डिटेल में बताया था सर्बो बुल्गेरियन वॉर नवंबर में ही शुरू हुई थी नवंबर में ही एंड हो गई थी वॉर बिटवीन द किंगडम ऑफ सर्बिया एंड प्रिंसिपालिटी ऑफ बुल्गारिया अब बढ़ते हैं अपने प्रॉपर थीम की तरफ वन ऑफ ऑफ सेंट्रल थीम्स आर्म्स एंड मैन इज द क्रिटिक ऑफ रोमांटिसाइज व्यू ऑफ वॉरफे रियलिस्टिक एंड अनग्लैमरस पोर्ट्रियल ऑफ वॉ इस तरीके के कुछ वर्ड्स रियलिस्टिक अनग्लैमरस ये वर्ड्स आप प्लीज जरूर याद रखिए यूज करिए अपने एग्जाम में की ब्लंच का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है सर्जियस के कैरेक्टर से सर्जियस जो कि ब्रेव दिखाया गया डैशिंग दिखाया गया रोमांटिक व्यू पॉइंट है उनका वॉर को लेकर सर्जियस का जो चार्ज है एट द एनिमी लाइंस इनिशियली ही सीन अस हीरोइक एप लेकिन हमें धीरे-धीरे बता दिया जाता है, इवन सर्जियस इज नॉट यू नो एज रोमांटिक अबाउट वॉर एज ही सपोजेस ही इज उनका जो वॉर है वॉर

बिल्कुल दो अलग अलग इंसान है एक है प्रेगमेटिज्म से फील्ड और एक है रोमांटिसम से फील्ड ब्लॉशली रेप्रेजेंट प्रेगमेटिज्मिटी एंड सर्जिय रोमांटिसम फॉर वॉर ब्लॉशली एमबॉडीज रियलिज्मिटी वर्जियस एम्बॉडीज रोमांटिक आइडियल्स एंड शिवलरी बहादुरी वीरता सो देर डिफरेंस बेसिकली हाईलाइट द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले रिगार्डिंग द नेचर ऑफ वॉर लव तो को उन दोनों के characters मिला जुला कर करते हैं। उनमें से से से। एक को को किसी किसी और और तरीके तरीके देखता है, दूसरा लेकर भी दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है और ह्यूमन नेचर को लेकर भी एक कंपैरिजन चार्ट करते हैं दोनों का ब्लैशली के क्या व्यू ब्रूटल एंड

जीबी शॉ ने भी ब्लैंचली की आइडियोलॉजी को ही सपोर्ट किया था अब देखते हैं सर्जियस के बारे में सर्जियस रोमांटिसाइज द व्यू ऑफ वॉर ही हीट आज हीरोइक फिगर ग्लोरिफाइंग बैटल फील्ड एंड ब्रेवरी अबव ऑल तो चाहे जितना ही दिखा दिया होगा बाद में कि ही वॉज नॉट एज ब्रेव एस ही शोन लेकिन उनके व्यू पॉइंट्स तो वही हैं उनके व्यू पॉइंट्स है कि वी शुड ग्लोरीफाई द बैटल फील्ड एंड ब्रेवरी इज द बेस्ट वर्ट एनी वन कैन हैव सो दिस इज समथिंग यू कैन राइट इन द एंड बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग प्ले है इन कंक्लूजन आर्म्स इन दी मान इज अट प्रवोकिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग आइडियल्स particularly those of romanticism and realism. The importance of war, the romanticism about the wars and the practicality unke ki ek war play. Within the context of war and love, the play has been written through the characters like Sergius, Blanche Lee, and Raina. Shaw is basically criticizing the societal norms and values exposing the hypocrisy and all the mistakes, follies, inherent in romanticized notions of heroism and romance romance about war the play basically i say serves as a satirical commentary on the complexities of human relationship and absurdity of wars Again, I will say ki you can go for all the PDFs of the respective topics: history of English, poetry definition, comprehension, grammar, and many more. And you can connect through this telegram link. The link is given in description. I hope your topic is helpful. Raha hai. Please do not forget to share and subscribe the channel, provide your valuable feedback. और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें फॉर पी डी एफ हेज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैन कनेक्ट विद अस एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एनी ऑफ द मेन्शन कोर्सेज हेयर इग्नू की एम ई जी सब्जेक्ट सीयूईटी की प्रेपरेशन जेपीएससी का लाइव बैच अभी न्यू uh, एडमिशंस नहीं चल रहे बिकॉज नॉट मच टाइम इज लेफ्ट